It's December 07, paper 1. And first part, you need to find the other two inequalities. ठीक है, तो पहले हम lines की equation निकालते हैं. तो ये जो हमारे पास line है, इसकी equation होगी हमारे पास y is equals to 1. ठीक है, एक line की equation हमको दी हुई है, that is x plus y is less than 5 whole 1 upon 2. अभी कौन सी line की है? यहाँ पर लाइन कट कर रही है 5.5 को. इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन की इक्वेशन हमें पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5.5. अब हमारे पास एक ही लाइन बची है, दिस वन. तो इसकी हमें इनिक्वलिटी अपना सॉरी इसकी हमें इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. तो फर्स्ट थिंग, वी नीड टू फाइंड ग्रेडियंट. और ग्रेडियंट हमारे पास कोई भी हम पॉइंट ले लेते हैं. तो एक पॉइंट मैंने ले लिया, मेरे पास आ गया 0.0, और एक पॉइंट आ गया मेरे पास 1.2. तो ग्रेडियंट इसका आ जाएगा वाई टू माइनस डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन. तो ये आ गया ग्रेडियंट टू. वाई इंटरसेप्ट इसका जीरो है, कैसे पता लगा? लाइन ओरिजिन से कट कर रही है. तो लाइन की इक्वेशन आ गई वाई इज इक्वल्स टू 2x. ये आ गया मेरे पास वाई इज इक्वल्स टू 2x. अब आपको इसकी इनिक्वलिटी बतानी है. तो एक लाइन की इनिक्वलिटी वाई इक्वल टू 1 वाले, तो ये हो जाएगा वाई शुड बी ग्रेटर देन 1. और वाई इक्वल टू 2x का हो जाएगा वाई शुड बी लेस देन 2x. ये मेरे पास दो आंसर्स. इन नेक्स्ट पार्ट इट सेज हाउ मैनी पॉइंट्स विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स. इंटीजर मतलब जो डेसिमल में ना हो, जो कि हमारे पास शेयर डिवीजन में आ रहे हैं. तो एक पॉइंट ये आया हमारे पास, एक पॉइंट ये आया, एंड एक पॉइंट ये आया, जो हमारे पास इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं और रीजन के अंदर आ रहे हैं. तो देर आर थ्री पॉइंट्स. इट्स जून 07, पेपर 1. फर्स्ट पार्ट, यू नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. इक्वेशन ऑफ ए बी हमें मालूम है, दैट इज ए बी इज वाई इक्वल टू 3. इसका मतलब ये हुआ कि B का जो Y कोऑर्डिनेट होगा ना, वो तो हमारे पास हो जाएगा 3. अब B का X कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है ना, वो कैसे करेंगे? आपको इक्वेशन ऑफ B और C मालूम है, दैट इज Y इक्वल टू X प्लस 4. हम इसी को यूज़ करेंगे, Y इज इक्वल्स टू X प्लस 4. बट इन दिस केस Y नोन है, दैट इज 3, जो हमें अभी भी फाइंड किया था. 3 इज इक्वल्स टू X प्लस 4 एंड X इज इक्वल्स टू माइनस 1. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर माइनस 1.3. पार्ट बी, द अनशेडेड रीजन ट्राइंगल ए बी सी इज डिफाइंड बाई 3 इनइक्वालिटीज. वन ऑफ द इनइक्वालिटीज इज वाई इज लेस देन एक्स प्लस 4. राइट डाउन द अदर 2 इनइक्वालिटीज. तो पहले देखते हैं हमारे पास तीन इक्वेशंस कौन कौन सी हैं. एक हमारे पास इक्वेशन ए बी की है, दैट इज वाई इज इक्वल्स टू 3. एक हमारे पास इक्वेशन बी और सी की है, दैट इज वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4. और एक हमारे पास इक्वेशन ए सी की होगी. अब ए सी की इक्वेशन आपको नोन नहीं है, तो हमें निकालनी पड़ेगी. पहले हम निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए सी. ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वाई टू माइनस वाई वन. तो मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास एक्स वन वाई वन है, और ये मेरे पास एक्स टू वाई टू है. तो वाई टू माइनस वाई वन माइनस 4 माइनस 3 इज माइनस 7. एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14. दैट मीन्स 1/2. तो ये मेरे पास आ गया ग्रेडियंट. y इंटरसेप्ट 0 है, क्योंकि लाइन मेरे पास ओरिजिन से पास कर रही है. तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c की वैल्यू 0. तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई ए सी की, y इज इक्वल टू 1/2x. अब लास्ट चीज़ करते हैं हम लोग, किसकी इनइक्वलिटीज फाइंड करनी है. तो हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3, और अनशेडेड रीजन इस लाइन से नीचे है. दैट मीन्स इट विल बी y शुड बी लेस देन इक्वल टू 3. ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 की इनइक्वलिटी दी हुई है, तो उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है आपको. y इक्वल टू 1/2x से अनशेडेड रीजन ऊपर है, तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2x. ये इसका आंसर. अब जो लास्ट चीज़ है जिसमें बहुत सारे बच्चों की गलती होती है, वो ये है साइन ऑफ इनइक्वलिटी. ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास साइन ऑफ इनइक्वलिटी होगा ना, इट शुड बी ओनली लेस देन एंड इट शुड बी ओनली ग्रेटर देन. ठीक है, ये क्यों? दो वजूहत हैं. एक तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ भी खाली लेस देन है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर वर्ड इनसाइड मैंशन है. तो जब भी इनसाइड का वर्ड मैंशन होगा, कीप इन माइंड कि वहाँ पर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू नहीं होता.